हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग ट्यूटर। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ये तिरछी पॉकेट बनाने का तरीका। सिंपल पॉकेट तो मैं अपने चैनल पे पहले बता चुकी हूँ, आज मैं आपको तिरछी पॉकेट बनाना बताऊँगी जो कि हम हुड वगैरह में बनाते हैं या बच्चों के बॉयज़ के स्वेटर में बनाते हैं। ये देखिए, चलिए शुरू करती हूँ बनाना। ये मैंने यहाँ से ये जिस तरह से हम अगला पल्ला बुनते हैं उसी तरह से मैंने ये बनाना शुरू किया है। नीचे बॉर्डर बनाया है इसे, ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया है। आपको जितने पल्ले अगले पल्ले में आपको फंदे डालने हैं आप उतने डालिए। यहाँ मैं सिर्फ आपको ये मेथड बता रही हूँ कैसे बनानी है ये पॉकेट। इसको हम एक साइड से शुरू करेंगे। ये फंदे हम सादे बना रहे हैं क्योंकि मैंने नीचे से ये सादा बनाया है। अगर आपने ये पार्ट कुछ सी डिज़ाइन वाला बनाया है, आप ये पल्ला डिज़ाइन वाला बनाना चाहते हैं तो आप ये डिज़ाइन के साथ बनाइए ये फंदे, जो भी डिज़ाइन आप स्वेटर में बना रहे हैं। ये देखिए, यहाँ हमें ये 15 फंदे इधर छोड़ने हैं और उसके इधर हमें 6 फंदे ये बॉर्डर के रखने हैं। ये बॉर्डर आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कम तो नहीं रहेंगे क्योंकि मैं पहले ही कम ले रही हूँ 6 फंदे। आप ये 8 फंदे 10 फंदे भी ले सकते हैं बॉर्डर के, और जैसा बॉर्डर आपने यहाँ किया है वही बॉर्डर आपको यहाँ करना है। यहाँ मैंने ये उल्टा उल्टा बुना है तो मैं यहाँ उल्टा उल्टा बुन रही हूँ। और ये मैंने 6 फंदे यहाँ ले लिए हैं और 15 फंदे मैंने इधर छोड़ दिए हैं। अगर आपके स्वेटर में, ये तो मैंने आपको ऐसे दिखाना, कम से कम 20 फंदे आपको यहाँ छोड़ने हैं जो आप अगर बड़े की कार्डिगन बना रहे हैं। अगर बच्चे की बना रहे हैं तो आप 15 फंदे भी छोड़ सकते हैं। इन फंदों को हमें बुनना नहीं है अब, इनको हमें यहीं छोड़ना है और ये बाकी के फंदे हम बुनेंगे। जो ये बॉर्डर के फंदे हैं वो हम ऐसे ही बना लेंगे। ये देखिए, ये बॉर्डर के फंदे बुनने के बाद हमें 2 फंदे का एक फंदा करना है। और बाकी फंदे हम इसी तरह से बुनेंगे। ये देखिए, ये हमने इस तरह से ये सादा बुन लिया। उल्टी सिलाई बुनने के बाद ये सीधी सिलाई। अब हम यहाँ आ गए, ये हमारे बॉर्डर के फंदे हैं। यहाँ हमने जब हम उल्टी सिलाई कर रहे थे 2 फंदे का एक फंदा किया था, सीधी सिलाई में हम इसको इसी तरह से बुन लेंगे। यहाँ हमको कोई फंदा नहीं घटाना है। जो बॉर्डर के फंदे हैं वो बॉर्डर के बुनेंगे। उल्टी सिलाई में बॉर्डर के फंदे बुनने के बाद फिर से 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। ये देखिए, बॉर्डर के 6 फंदे बुन लिए हमने। हम ये फिर 2 फंदे का एक फंदा करेंगे और सीधी सिलाई में हमें यहाँ कोई फंदा नहीं घटाना है। उल्टी सिलाई में हर बार बॉर्डर के फंदे बुनने के बाद 2 फंदे का एक फंदा करते जाएंगे जब तक यहाँ 12 फंदे ना रह जाएं। देखिए, इतने यहाँ 12 फंदे रह जाएं। ये बॉर्डर के फंदे छोड़ने के बाद 12 फंदे ये रह जाएं, तब तक हमें इन्हें इसी तरह से घटाते रहना है। हर उल्टी सिलाई पर बॉर्डर के फंदों के बाद 2 फंदे का एक फंदा करना है। ये देखिए, ये हमने उल्टी सिलाई में हर उल्टी सिलाई में एक एक फंदा घटाते हुए ये पॉकेट बना ली है। यहाँ से ये 12 फंदे बचे हैं। अब यहाँ बीच में इधर उधर बॉर्डर के फंदे हैं, ये 6-6 फंदे, बीच में ये 12 फंदे बचे हैं। अब आपको ये देखना है इसमें
इस तरह से कि ये जो यहाँ से हम हाथ डालेंगे, अगर आपको ये लगे कि ये स्पेस कम है, इसमें हाथ नहीं जाएगा, तो आपको इसको बिना घटाए हुए फंदे, यहाँ आप कोई फंदा नहीं घटाएंगे, ना उल्टी सिलाई में ना सीधी सिलाई में, ये बॉर्डर के फंदे बुनने, और ये आप जितना बड़ा इसको करना चाहें तब तक आप इसको बुने बिना फंदा घटाए हुए। और उसके बाद हम इसको यहाँ से फंदे उठाना शुरू करेंगे। देखिए कैसे उठाने हैं फंदे, ये जो लास्ट की, ये बॉर्डर के बाद की जो लास्ट की ये सिलाई होती है, इसके फंदे उठाएंगे हम यहाँ से। ये देखिए, ये इस तरह से फंदे हमें जहाँ से हमने घटाने शुरू किए थे उसकी सीध तक हमें ये फंदे उठाने हैं। ये देखिए, ये 35 फंदे मैंने यहाँ से उठाए हैं। ये फंदे हमें उतने उठाने हैं जितने हमने जब यहाँ से घटाने हमने ये शुरू किए यहाँ से, और ये बॉर्डर से पहले तक के जितने फंदे यहाँ होते हैं उतने ही फंदे हमें यहाँ उठाने हैं ये। और उसके बाद हम इसकी बुनाई शुरू करेंगे। और इसको हमें बिल्कुल सादा बुनना है, इसमें कोई डिजाइन नहीं बनेगा। ये देखिए, इस तरह से हमें ये सादा बुनते हुए हमें इसको इतना बड़ा बुनना है जहाँ से हमने ये फंदे छोड़े थे ये वाले। और यहाँ से हमें इस तरह से नापेंगे हम इसे, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हमें इतना बड़ा बुनना है, और उसके बाद फिर हम ये फंदे भी उसमें मिला के बुनेंगे। इस तरफ हमें ये सीधा रखना है और इस तरफ हमें ये उल्टा रखना है। इसी तरह से हम बुनेंगे इसके इतना बड़ा होने तक। ये देखिए, ये हमारा हो चुका है अब इतना। इसको हम इस तरह से नाप लेंगे यहाँ से, ये जहाँ से हमने ये फंदे छोड़े थे इसको हम नाप लेंगे, तो ये अब इसके बराबर हो गया। अब हमें आगे की जो बुनाई करनी है उसमें हमें, पहले हमने इतने फंदे बुने यहाँ से उठा के, अब हमें ये वाले फंदे भी इसी में मिला के बुनने हैं। देखिए इस तरह से ये एक जगह हो जाएंगे। अब ये पल्ला हमें ऊपर तक इसी तरह से बुनना है। देखिए, ये सारे एक जगह मिला के, ये हमारी पॉकेट जो हमने घटाई है वो हमारी ये अलग से है, और इसको हमें इस तरह से बुनना है, ये सारे फंदे एक जगह लेके। ये देखिए, मैं एक सिलाई और करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ से इसको हम इस तरह से बुनते जाएंगे पूरी सिलाई बुनने के बाद। ये देखिए, यहाँ से ये इसको हम आगे तक बुनते जाएंगे।
ये देखिए, इसी तरह से हमें इसको अब यहाँ तक बुनना है। जितना बड़ा हमारा ये है पल्ला, हमें ये वाली बुनाई बुनते हुए बिल्कुल सादा बुनना है और यहाँ तक बुनना है, जितना बड़ा हमारा ये है। यहाँ से बुनते हुए हमें यहाँ तक लेके जाना है। ये देखिए, ये पूरा हो चुका है। अब ये इतना बुना गया, अब हम इसको नापेंगे। इसको हम इससे नापेंगे, यहाँ से जो हमने ये आगे का बुना कटाई करते हुए पॉकेट की, इसको हम यहाँ से रख के नापेंगे। अगर ये एक बराबर आ रहा है तो समझो ये बराबर हो गया। ये देखिए, ये बिल्कुल बराबर है। ये कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक बराबर होना चाहिए बिल्कुल। अब हम इसको आगे जोड़ेंगे। देखिए किस तरह से जोड़ना है। सबसे पहले तो हम ये इस पल्ले के जितने ये बॉर्डर के फंदे होंगे इनको हम ऐसे ही बुन लेंगे। यहाँ मेरे ये 6 फंदे हैं बॉर्डर के, हम 6 फंदे ऐसे ही बुनेंगे, जिस तरह का भी आपका बॉर्डर हो। उसके बाद हम इनको इस तरह से लेंगे दोनों को, जो हमने पीछे का बुना ये भी और जो ये आगे का ये भी। अब हम लेंगे एक फंदा इसका और एक फंदा पीछे का, देखिएगा आप, और इसको इस तरह से बुनेंगे। फिर से यही करेंगे, एक फंदा आगे से लेना है, एक फंदा पीछे से लेना है, और दोनों को मिला के ये दोनों फंदे सिलाई से निकाल देने हैं। एक फंदा आगे का, एक फंदा पीछे का, इस तरह से ये यहाँ जुड़ जाएंगे। देखिए, जहां तक भी ये फंदे आएंगे वहां तक इसी तरह डबल करते हुए बुनना है हमने। ये डबल फंदे बुने गए यहाँ तक, ये जुड़ गया अब इसमें, और बाकी के जो फंदे हैं ये हम ऐसे ही बुन लेंगे। ये देखिए, ये तिरछी पॉकेट तैयार है। अब इस तरह से यहाँ से आ जाएगा, ये काफ़ी गहरी बनती है ये, और इसको हम उल्टी तरफ से यहाँ से सुई से सिल देंगे यहाँ पर, इस तरह से, और ऐसे ही ये थोड़ी सी जगह ये है इसको भी हम यहाँ पर सिल देंगे हल्के छोटे छोटे टांके लेते हुए। और इधर से ये पॉकेट तैयार है, इसको आपको इसी तरह बुनना है। आपको इसमें ये ध्यान रखना है, जब हम ये वाले फंदे जोड़ के जो ये हिस्सा बुनते हैं, अगर आपको स्वेटर डिज़ाइन वाला है तो आपको ये पार्ट भी डिज़ाइन वाला बुनना पड़ेगा और ये वाला पार्ट भी डिज़ाइन वाला बुनना है। जो अपने पीछे से फंदे उठा के यहाँ से बुनना शुरू किया, इसमें भी आप डिज़ाइन डालिए तभी ये सही आएगा। यहाँ मैंने नीचे से सादा बुना है तो मैंने इधर इधर सारे में सादा बुना है। देखिए, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।